संस्कारधानी जबलपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरती में शामिल होने जा रहे युवक की हत्या कर दी गई। हसीये से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह पूरी घटना बेलखेड़ा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को नवरात्र के छठवें दिन रविन्द्र सिंह लोधी मंदिर में आरती में शामिल होने जा रहा था। इस दौरान बेलखेड़ा के सुंदरदेही के पास ब्रजेश लोधी ने उस पर हसीये से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर ब्रजेश का मृतक से विवाद हुआ था, जिससे गुस्से में आकर उसने रविन्द्र लोधी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। थाना बेलखेड़ा के ग्राम सुंदरादेही में कल रविन्द्र लोधी जो थे वो कुम्हार मोहल्ला के पास खड़े थे कि ब्रजेश लोधी हाथ में हसिया लेकर आया और वो महाआरती की तरफ जा रहा था। रविन्द्र ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना और क्षुब्ध होकर रविन्द्र के सीने पर ब्रजेश ने हसीये से वार कर दिया। बाद में रविन्द्र लोधी को उसके भाई लोग लेकर मेडिकल में गए और इलाज के दौरान रविन्द्र लोधी की मृत्यु हो गई। ब्रजेश लोधी के खिलाफ थाना बेलखेड़ा में हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है और सरगर्मी से पुलिस टीम बनाकर उसकी तलाश की जा रही है। हाँ, जैसी उनकी सूचना मिली है तो उसकी धरपकड़ के लिए टीमें हमारी रवाना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, द लोकमंगल न्यूज।